थाने सरकार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं महेश मूलचंदानी। थाने सरकार न्यूज के दर्शकों से हम क्षमा चाहते हैं, कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से हम अपने शहर के लोगों को वहां पर शहर की खबरें नहीं पहुंचा पा रहे थे। काफी समय से हमारा चैनल बंद रहा, जिसके लिए हम अपने दर्शकों से क्षमा चाहते हैं। अब पूरी टेक्निकल जो खराबी थी, हमने पूरी तरह से उसे दुरुस्त कर दिया है। अब शहर के लोगों को हम अपने ओर से डेली शहर की खबरें पहुंचाएंगे। आज का हमारा विषय है उल्लासनगर की राजनीति। हलचलें तेज हो चुकी है और राष्ट्रवादी पार्टी में रहे पार्टी के महासचिव अमित वाधवा को पद से मुक्त किया गया, ऐसी जानकारी उल्लासनगर शहर की शहर जिला अध्यक्ष राष्ट्रवादी पार्टी की हरकिरण कौर दामी मैडम ने हमें बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी में रहकर पार्टी की विरोधी गतिविधियां करने वाले को पार्टी कभी भी क्षमा नहीं करेगी। और उसके बाद राष्ट्रवादी पार्टी के पदाधिकारी सोनू पंजाबी, जिनके ऊपर सेंट्रल पुलिस चौकी में 354, 504, 506 और 323 के तहत मामला दर्ज किया गया, क्या थी वह साजिश, किस प्रकार से उनके ऊपर ये गुनाह दर्ज किए गए, क्या कहना है उल्लासनगर शहर जिला की अध्यक्ष दामी मैडम का। और उल्लासनगर महानगर पालिका के सभागार नेता भरत राजानी उर्फ गंगोत्री क्या कहते हैं सोनू पंजाबी के विषय में, उनके ऊपर किस प्रकार से मामला दर्ज हुआ, कितना मामला सच था, इसकी जानकारी पूरी हमें बताएंगे भारत राजवाणी। और पद मुक्ति के बारे में, क्यों पद मुक्त किया गया अमित वाधवा को, उसकी पूरी जानकारी देगी हमें उल्लासनगर शहर की राष्ट्रवादी पार्टी की शहर जिला अध्यक्ष हरकिरण कौर दामी मैडम। दामी मैडम जी, राष्ट्रवादी पार्टी के पदाधिकारी महासचिव अमित वाधवा को पद मुक्त किया गया है, ऐसी शहर के कई न्यूज पेपर में आज खबर आई है। ये बात कहाँ तक सच है, शहर के लोगों को आप जानकारी दीजिए। जी हाँ, ये बात एकदम 100% सच है। श्री अमित वाधवा जी को, जो महासचिव के पद पे थे, उनको पदमुक्त आदेश दिया गया है, क्योंकि वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे और कार्यकर्ता पदाधिकारी और बाकी सब लोगों को, इवन के मीडिया को गुमराह कर रहे थे। पक्ष की तरफ से कुछ ऐसे उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए थे जिनका उनको ना तो नॉलेज था। तो जब हम एक अध्यक्षता पद पे होते हैं तो हमें गरिमा और प्रोटोकॉल फॉलो करके, जो भी पार्टी की गाइडलाइंस होती है उसको फॉलो करना होता है, इसलिए उनको पदमुक्त किया गया है। धन्यवाद मैडम। भारत राजवाणी जी, आप राष्ट्रवादी पार्टी के आपके पदाधिकारी सोनू पंजाबी के ऊपर सेंट्रल पुलिस चौकी में 354 और 323 504 के तहत मामला दर्ज किया गया है। विरोधी लोग सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं कि जिस शहर में जिला अध्यक्ष राष्ट्रवादी पार्टी की एक महिला है, उस महिला के द्वारा सोनू पंजाबी ने एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसकी वजह से दाखिल हुआ। उनका कहना है कि आपको पद से राजीनामा देना चाहिए। और दामी मैडम को क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखो, मैंने ये सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ा था। हमारे कुछ बहुत ही विरोधी जो लोग हैं, वो ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई इनको पद से इस्तीफा देना चाहिए। तो मैं उनको बता दूं कि ज्योति कालानी जब जिला अध्यक्ष हुआ करती थी, तब उनके टाइम पे मेरे ऊपर दो ऐसे मामले दर्ज हुए हैं। तब उन्होंने वो भी मेला थी, तो कब उन्होंने भी रिजाइन नहीं दिया था। और एक केस में तो एक एमएलए थी, जो वो लेडी से जाके सेंट्रल हॉस्पिटल में मिली थी, बोगस केस में। वो केस उनको पता भी था बोगस ही है, फिर भी वो लेडीज को सपोर्ट करने के लिए गए थे। और एक न्यूज चैनल के माध्यम से, जो न्यूज लोकल चैनल के यहाँ चलती है, जैसे कोनार के जनादेश है, ऐसे दो तीन चैनल थे, उनमें दो दिन से ऊपर न्यूज नहीं चलती है, फिर भी मुझे बदनाम करने के लिए वो 12 दिन न्यूज चलाई गई थी। तो ये पॉलिटिकली रेवल है, ये चलते रहती है। और अभी केस दाखिल हुआ है, साबित नहीं हुआ है कि ये चीज हुआ है, जबकि सोनू पंजाबी के वीडियो भी सामने आए हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है। उनकी बॉडी लैंग्वेज एकदम नॉर्मल है, वो एक जस्ट तरीके से बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो बाकी अभी पुलिस के अंदर इंक्वायरी है, वो इसमें इंक्वायरी में निकल आएगा कि क्या है। सर, आपको क्या लगता है, ये मामला के सही मामला दाखिल हुआ है कि ये बेगुनाह के ऊपर दाखिल किया गया है? देखो, आज जो वीडियो सामने है उसमें तो ऐसे लग रहा है कि भाई खोटा गुनाह दाखिल हुआ है, पॉलिटिकली प्रेशर के हिसाब से। और वहां पे लोकल पार्टी के गुंडे लोग खड़े थे, जो उधर
पुलिस के ऊपर मेरे को लगता दबाव बना के यहाँ क्या किया गया है, यहाँ लेडीज को मिसगाइड करके यहाँ कैसे भी, तो ये तो बाकी इंक्वायरी में मालूम ही पड़ जाएगा क्या सही है क्या गलत है। हमारी पार्टी की सफलता हमारे कुछ विरोधी है जो उनको डाइजेस्ट नहीं हो रही है, अगर उनका पाचन तंत्र वीक है तो हमारे पास उनकी दवाई है, आके ले सकते हैं, मैं उनको हेल्प करूंगा।